यही वो समय है जब आपको अपने आप को सिद्ध करना है। यू आर इन द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ, जीवन के प्रधान समय में ईश्वर से लेके राजा से लेके रंग से भिखारी से इंसान से हर किसी से अगर आप पूछे ना कि जिंदगी में कौन सा टाइम चाहिए, आप वाला बोलेगा वो ये वाला समय चाहिए मेरी लाइफ का, ये आगे नहीं जाना चाहिए, मैं कभी इससे आगे नहीं जाऊं। जिस जीवन में आप जी रहे बेटा, देवताओं का भी सपना होता है कि काश मैं भी इसी लाइफ में रहूं, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी आपके पास। कमी है तो केवल समझ की, कमी है तो केवल सही दिशा की, एनर्जी की कमी नहीं है बेटा, भंडार भरे आपके में। एक बड़ी विडंबना है कि जब बच्चा होता है छोटा होता है ना, एनर्जी बहुत होती है समझ नहीं होती है, लेकिन जब बड़ा होता है समझ आ जाती है एनर्जी नहीं होती। आप 5 साल 15 साल 10 साल बाद में चाहोगे ना मैं अच्छा कर लूं, गारंटी अच्छा नहीं कर पाएंगे बेटा, लेकिन अभी आपने सोच लिया ना अच्छा करूंगा, बहुत गजब कर जाएंगे। तो पूरी एनर्जी को ना बेटा झोंक देना है, कॉन्सेंट्रेशन को लेवल पे ले आना है, बहुत गजब के लेवल पे, है ना। जल नहीं रहा, जल नहीं रहा, सुना है, जलेगा कैसे, कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं। डायलॉग सुने सुने लग रहे, कितने बच्चों ने सुने, एक मोटिवेशन है यूट्यूब के ऊपर, उसमें आते हैं, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करना हो तो केवल वो ही दिखना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में एक चिड़िया की आंख की बात की थी, वो ही दिखना चाहिए बेटा। तो उसमें वो एक ऐसे प्रसंग आता है कि एक लेंस लेते हैं, लेंस लेते हैं जो रुई को जला देता है, कपड़े को जला देता है, कागज को जला देता है, और आपने रुई लिया लेंस लिया और आप ऐसे कर रहे हैं डेली उसको, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा, जलेगा कैसे भाई, तेरा लेंस जब एक जगह रुकेगा ना तो जलेगा वो, हम तो उसको हिलाए जा रहे हैं, कभी फेसबुक की तरफ झुके जा रहे हैं, कभी यूट्यूब की तरफ झुके जा, ऐसे कैसे डायलॉग हो, कभी जो है ना दोस्तों को भी टाइम देना है, उससे लड़ना है, उसको सलटाना है, उसको निपटाना है, उसको जो है ना गाली देना है, उसको ऐसे करना है, सुना कभी, सेम डायलॉग है, हाँ? जलेगा कैसे भाई, जलने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है, एक जगह तपना पड़ता है। पापा मम्मी को भी कई कई दिन तक बिना मिले, पापा मम्मी से बिना मिले रहना पड़ता है, अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ता है, एक जगह पूरा फोकस करना पड़ता है, तब जाके कोई आग लगती है, तब जाके कोई सहनसा पैदा होता है बेटा, तब जाके कोई बादशाह जन्म लेता है, स्टार बॉर्न करता है, जन्म लेता है, तब जाके जब इतना कॉन्सेंट्रेशन एक जगह रखते हैं। इसलिए पूरा फोकस जो है बेटा एक जगह डाल दो, आग लग जाएगी, जो करना चाह रहे हो बेटा वो सब हो जाएगा, जीवन में जो चाहते हो वो सब कुछ मिल जाएगा बेटा। 5 साल 7 साल बाद में सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, बाहर पैर रखते ही लोग अपने हाथ रख देते हैं, साहब इससे रख लो ना पैर, वो वाली पोजीशन आने वाली है, वो वाली, वो वाले बादशाह बनने वाले हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का मोबाइल, 4 करोड़ की घड़ी, वो जिंदगी आने वाली है, आती है 4 करोड़ की घड़ी, कितने करोड़ की घड़ी का नाम सुना हुआ, एक दिन बताया था मैंने क्लास के अंदर, दिखाया था बताया नहीं, कितने की, 2 करोड़, और कोई 2 करोड़ एक बढ़ा रहा, कोई 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की घड़ियां आती है, हमारी संपत्ति मिला के भी नहीं होती 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़, उतने की तो लोग घड़ी बांध के घूमते हैं बेटा। फिर बोला सर वो फर्क क्या पड़ता है, जो एक आम बच्चा है ना पता क्या कहेगा, फर्क क्या पड़ता है, 5 करोड़ वाली भी टाइम बताती है, 35 रुपए वाले भी टाइम बताती है, लेकिन 5 करोड़ वाली केवल टाइम नहीं बताती, उस इंसान का भी टाइम बताती है कि कैसा टाइम चल रहा है, बता दो टाइम है, लेकिन वो सिंपली टाइम बताती है और वो इंसान का टाइम बताती है। तो 5 करोड़ की घड़ी, भाई साहब जब मैंने पहली बार सुना तो कई देर तक तो
सन्नाटा छा गया दिमाग में, सुन होगी पूरी बॉडी, लेकिन लोग बांधते मिलती और नहीं है, वेटिंग और चलती है उसकी। जयपुर का एक होटल है 10 लाख रुपए, रामबाग प्लेस, कभी जाना आप, कमरा किराया पूछना 10 लाख रुपए, एक ही रात रुकते हैं, शाम को लोग आते हैं, बैग रखते हैं, फ्रेश होते हैं, रात को जो है ना खाना खा के आए तो ठीक है, मंगवाओगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, सुबह बैग उठा के चल देते, 10 लाख रुपए पे कर जाते हैं। जयपुर की होटल की बात कर रहा हूँ, मैं नंदन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे कोई आता ही नहीं होगा, एक महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है तब मिलती है, एक महीने पहले बुकिंग होती है तब मिलती है, पहले से बुक चलती है। तो जो आदमी एक रात रुकने के 10 लाख रुपए दे रहा है, सोचो कितना कमा रहा होगा वो, यूं तो है नहीं भाई, महीने के 20,000 रुपए कमा रहा होगा, फिर होटल में 10 लाख रुपए कमरा किराया लेके रुकेगा रात में। ये तो मैं जयपुर की बता रहा हूँ, जो 5 स्टार होटल भी नहीं है, नहीं 5 स्टार, रामबाग प्लेस 5 स्टार, दुनिया में तो 7 स्टार होटल भी होते हैं, कहाँ होते हैं, दुबई में, और भी है, बट एक दुबई में तो मछली जैसी फोटो होटल है, मछली के शेप में बनी हुई ऐसी खड़ी, कभी देखना 7 स्टार होटल है, क्या किराया होगा। पहली बात तो दुबई, दुबई में चाय जो है ना वो 500 रुपए की मिलती है, 500, अपने जो चाय 5 रुपए मिलती है ना वैसी चाय वहां 500 में, तो पहली बात तो कितना महंगा है यहाँ से वैसे ही, और 7 स्टार होटल और है तो उसका कितना कमरा किराया होगा कल मुझे बताएंगे आप, ये गूगल सर्च मार के व्हाट इज द रेंट इन 7 स्टार होटल इन दुबई फॉर 1 नाइट, रूम फॉर, रूम रेंट फॉर 1 नाइट, कल मैं पूछूंगा कौन बताएगा, वो पीछे पीछे से एक बच्चे ने कहा मैं बताऊंगा, कन्फर्म करके। वेल डिसिप्लिन रहना बेटा, बच्चियां कमरे में पीछे नहीं देखती है, ये आर आर है, जैसे आर कार होती है ना, आर कार लोहे की तलवार, वैसे ये आर आर है, व्हाट इज आर आर, राजधानी रूम, पीछे मुड़ के नहीं देखते बेटा। कैमरे पे वहां एक दो क्लास में बुला भी लिया बाहर बच्चों को, उन्होंने कहा बेटा आप पीछे देख रहे हो, 24 घंटे कैमरे देख रहे, 3 आदमी, उनका काम ही सिर्फ, सर का काम ही कैमरे देखने का है, हर एक्टिविटी वो आप कहीं भी चाहे कहीं भी हो आप कैमरे की नजर में, और कैमरे दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के हैं, आपके आंख में यहां पर कोई बाल यूं निकला हुआ है ना वो भी दिख जाएगा उसके अंदर, कितनी बेहतरीन क्वालिटी के, जैसे एक आंख का बाल है लंबा है वो यहां तक आ रहा है तो बाल भी दिखता है उस कैमरे में। बच्चियां जब निकल रही होती है ना बेटा तो मार्ग उस समय केवल बच्चियों के लिए होता है, जब वो जा रही होती है बैठने के लिए तो प्रॉपर गैप होता है बेटा बच्चों और बच्चियों का, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है इस मामले में, इसलिए बहुत अच्छे से रहना है। ये क्या कि हार्मोनल चेंज, एक जो है ना इस समय का जो टाइम वो द्वंद से भरा हुआ, मैंने चालू ही बात ऐसे की थी, अलग में बाद में दूसरी लाइनों में दूसरी बातों पर आ गया, ये द्वंद का समय है, 1000 द्वंद मन में चलते रहे, कभी कभी लगता है मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं, ये उम्र का भी फर्क पड़ता है, आप छोटे थे तो पापा हीरो थे, आपको लगता था आपके जैसे पापा दुनिया में किसी के नहीं, वो सुपरस्टार लगते थे, थोड़े बड़े हुए तो पता लगा मोनू के पापा ज्यादा इंटेलिजेंट, मेरे बड़े पापा तो बोले ही, थोड़ा और बड़े हुए पता लगता पापा ने कुछ किया ही नहीं, पापा तो केवल बावड़ा ही बना रहे थे, मैं बहुत तगड़ा करने वाला हूं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है पापा ने तो फालतू में बड़ी जिंदगी खराब की, फिर थोड़ा और बड़ा होता है फिर पता लगता पापा थोड़े ठीक थे ना, अपने भाइयों से कहता पापा ठीक थे, फिर थोड़ा और बड़ा होता है 35-40 की उम्र में आता है पता लगता क्या पापा बहुत ठीक थे, जब पापा दुनिया से चले जाते हैं और 65 साल की उम्र में लगता है पापा महान थे, एक छोटे से काम से पूरे परिवार को चलाया उन्होंने, हम सबको पढ़ाया, पूरे व्यवस्थाओं को संभाला, कभी आन बान शान पे आंच नहीं आने दी, दुनिया के महान व्यक्ति थे पापा, जब खुद अपनी जिम्मेदारी आप पे आएगी तब पता लगेगा पापा क्या चीज है, तब पता लगता है इंसान को पापा का त्याग, पापा का जो है ना मेहनत, पापा की हिम्मत, पापा की वो बात नहीं याद आती बेटा, मम्मा पापा दोनों आगे उसके अंदर, तो ये जो स्टेज है इसमें आपको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, और इसका कारण भी बेटा ये कि ऐसे आप पता ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों मान रहे पापा से, क्योंकि आपको मोबाइल की रिंगटोन बदलना आता है पापा को नहीं आता,
आपको मोबाइल के अंदर जो है ना बेटा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ठीक करना आता है, आपको कंप्यूटर में ये पता है कि एक्सेल क्या काम में आता है, वर्ल्ड क्या काम में आता है, कोरल क्या काम में आता है, पेज मेकर क्या काम में आता है, पापा को नहीं पता है, इसलिए आपको लगता है आप इंटेलिजेंट है, लेकिन पापा से इंटेलिजेंट नहीं बेटा है, लेकिन पापा से इंटेलिजेंट नहीं, पापा से इंटेलिजेंट बनने के लिए पापा जितना संघर्ष करके, पापा जितना मेहनत करके, पापा जैसा मुकाम हासिल करके उनसे आगे निकलना, फिर बोलना पापा से अच्छा हूं। उनके पास अनुभव है बेटा, सबसे बड़ी दौलत है एक्सपीरियंस, वो हर हाल में आपका भला चाहते हैं, हर हाल में आपको चैंपियन बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको योद्धा बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ सारे सुख चैन त्याग चुके हैं बेटा, वो टाइम पे खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, वो एक ही ड्रेस से न जाने कितने दिन काम चलाते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कम में भी बहुत खुश है लेकिन आपको बहुत बेहतरीन देते हैं बेटा, उनका नाम पापा है, वो दिन रात सुबह कई कई ऐसे बच्चे जिनके पापा सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को आने से पहले बच्चा सो जाता है, संडे को ही बच्चों से अच्छे से बात हो पाती है, या कईयों के तो संडे को भी नहीं हो पाती, उनका नाम पापा है, बहुत तपस्या करते हैं बेटा आपके लिए, वो रात दिन एक ही सपना पाल के बैठे, बच्चों को मैं सफल हूं लेकिन बच्चों को सफल कर रहा हूं, क्योंकि सफल पेरेंट उसी को कहते हैं जिनके बच्चे कामयाब होते हैं, मैं हजार काम में सफल हो जाऊं लेकिन अगर बच्चे सफल नहीं है ना बेटा तो एक एक जो पार्ट है ना वो मेरे जीवन का खराब है, खराब है बेटा वो। आज इंसान ये दुनिया रंगमंच है, इंसान को न जाने कितने किरदार निभाने पड़ते हैं और हर किरदार को बखूबी निभाना पड़ता है और उनमें एक किरदार पापा का भी होता है, इंसान कभी बेटा होता है, कभी पति होता है, कभी पत्नी होता है, कभी चाचा होता है, ताऊ होता है, हर जगह अलग अलग रोल में आता है, इस वाली रामलीला में वो राम बनता है, अगले वाली रामलीला में वो सीता बनता है, उससे अगले वाली में हनुमान बनता है, उससे अगले वाली में वो केकई कौशल्या बनता है, जिस तरह से रंगमंच के नाटक चलते हैं जिंदगी भी रंगमंच की तरह होती है, एक इंसान कई किरदार निभाता है, कभी वो दादा बन चुका होता है, कभी पापा बन चुका होता है, कभी ताऊ बन चुका होता है, कभी बेटा, सब और सारे किरदार बखूबी निभाने पर जिंदगी को सफल कहा जाता है, अगर वो पिता सफल नहीं बन पाए ना तो भी उनकी जिंदगी बेकार है, वो सफल बिजनेसमैन है, सफल इंसान है, सफल एंटरप्रेन्योर है, सफल टीचर है, कुछ भी, लेकिन वो सफल पापा नहीं है ना तो भी वो एक उनके जीवन का अधूरा पक्ष बेटा, एक बेकार पार्ट है वो जीवन का, तो उनको भी सफल पापा बनाने के लिए आपका सफल होना जरूरी बेटा, आपका सफल होने का मतलब आपके पापा की सफलता है, उनका वो वाला पार्ट भी पूरा फिलअप हो जाएगा जो अभी तक नहीं है, इसलिए पापा के, मम्मा के, दादा के, दादी के, सबके किरदार को सफल करने के लिए भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सफल दादा वही है जिनके पोते सक्सेस हो जाते हैं, पोतियां सक्सेस हो जाती है ना, वो वाली पूरी पीढ़ी वो सफल दादा कहलाते हैं बेटा, तो जीवन एक रंगमंच है, इंसान को अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं, हर किरदार में अपने आप को फिट रख के, हर किरदार में अपने आप को सफल करके ही आप सफल बन सकते हैं या सफल इंसान कहला सकते हैं, तो पापा की सफलता के लिए, मम्मा की सफलता के लिए भी आपको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि सफल पेरेंट सक्सेसफुल पेरेंटिंग इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ वुमन, तो उन सब के लिए बेटा बहुत अच्छा करना है, मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, तो बहुत गजब करना है बेटा, बहुत पूरी ईमानदारी से काम करना है, चिटिंग खुद के अलावा किसी के साथ नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना, आप क्लास में बैठ के आंख बंद करके सो रहे हैं ना, केवल अपने आप स्किपिंग कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं बेटा, आप सर की बात ध्यान से नहीं सुन रहे ना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपके अलावा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना बेटा आपके अलावा, किसी का कुछ नहीं होना, इसलिए हर हाल में शानदार करने वाले बेटा, जीतेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं थैंक यू।